तो क्या हाल है गाइस, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज 25 मई है, तो यहाँ पर देखिए टाइम 10:25 बन चुका है और मैं आज जा रहा हूँ हावली, कुछ दवाइयाँ ख़रीदना था, ये एक और दूसरा। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बना है, वीडियो में बने रहे और शेयर सब्सक्राइब एक कमेंट ज़रूर कर देना। चलो वीडियो देखो। तो यहाँ पर ब्रिज का काम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, तब उसके बाद ही हम ऊपर से जा सकते हैं। बाजार यहाँ पर देखिए गाइस, इस साइड से पहले पहले आ रहा है, कितनी स्पीड मैंने हॉर्न दिया फिर भी वो नहीं माना। तो इन लोग इस तरह से गाड़ियाँ चलाना होता है, ये उन लोगों नहीं पता, इन लोगों के एक ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। आप लोग क्या कहते हो? तो यहाँ पर हम कलजार आ चुका हूँ। आप लोग को पहले वीडियो में ही बताया था, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। किसी भी यूडान को आप बहुत ही अच्छी तरह से क्रॉस करो, आप इधर उधर देख के ही क्रॉस करो, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट इसलिए होता है, यहाँ पर कोई यूडान नहीं है और लोग भटक जाते हैं, किस तरह से एक साइड से दूसरे साइड जाइए वो उनको हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। तो बी केयरफुल गाइस। से मैं जा रहा था तो हमारे सामने एक मिनरल वाटर सप्लाई करने की गाड़ी थी, उस गाड़ी से देखिए ये एक बोतल गिरा, क्योंकि वो गाड़ी बहुत ही स्पीड थी, हवा की वजह से गिर गया। तो मैं कहता हूँ क्या, आप लोग इस तरह से कुछ चीज़ ले जाते हो तो बांध के रखो, और कुछ कोई गाड़ी उसके पास होता तो बाइक वगैरह कुछ भी होता तो एक्सीडेंट होने का बहुत ही रिक्स होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग कुछ सामान लेते हो तो बांध के रखो। बी केयरफुल गाइस, ड्राइव स्लो। यूडान में भी बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट होता है, तो सब यूडान इतना सेफ नहीं है, तो आपको सेफ करके चलना। तो यहाँ पर मैं हावली आ चुका हूँ। पर हम एमए मेडिकल पर आ गए, यहाँ पर बाइक पार्क करके जाते हैं। यहाँ पर हमारा एक फ्रेंड रहता है, हमने पहले ही कॉल करके कहा था कि वो दवा है क्या उसके पास है, तो लेने आ गए। तो लो देखते हैं वो किधर है। ये है हमारा भैया, तो दवा दे दो। ओह माय गॉड, दो मिसकल, मेरे छोटे भाई का दो मिसकल था, तो मैंने उसको कॉल किया, तो उसके लिए एक सामान चाहिए था, वो भी लेकर जाता हूँ। यहाँ पर अपने भाई ने वो जो दो दवा लेना था तो वो दवा देते वक्त अपने हाल चाल भी पूछ लिया, हमने भी उसका हाल चाल पूछ लिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, यहाँ से निकलते हैं। तो चलते हैं भाई, ज़्यादा देर नहीं करेंगे वरना पुलिस के डंडा खाना पड़ेगा। हमारा भी थोबरा देख लो, ये हम अंदर डाल लेते हैं, बाहर रखूंगा तो घिर भी सकता है, बहुत ही इशू हो जाएगा, और अगर खो जाए तो। यहाँ पर अपने बाइक को घुमा लेते हैं, मेरे छोटे भाई ने और एक चीज लेने के लिए कहा, तो जाते हैं एक दुकान पर, देखते हैं वो मिलता है या नहीं। तो इस फार्मेसी पर आ गए थे, यहाँ पर भी नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि और एक अंदर एक दुकान है तो वहाँ पर है, तो वहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं।
यहाँ पर मेरी कैमरा का कुछ डिस्टर्ब देने लगा था, इसलिए वीडियो अच्छी तरह से नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो सामान लेने के लिए आए थे वो मिल गए, तो चलते हैं अपने घर की तरफ वापस। यहाँ पर हम बहुत ही जल्दी घर आ गए थे, 45 मिनट लगाया था, ज़्यादा वक्त नहीं लगाया था। देखिए यहाँ पर 11:04 हो गया, तो यहाँ पर सामान निकल के अपने भाई को दे देता हूँ। यही है क्या? हाँ, उसने कहा यही है। प्राइस कितना है? मैंने कहा 200, तो 200 उसने बाद में देने के लिए कहा। बाहर से आकर अपने हाथ को अच्छी तरह से धोना भी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने हाथ धोकर अपने ग्लास की तरफ जाते हैं। देख लो गाइस, मेरा भी थोड़ा बहुत ही हालत ख़राब हो गया। अपने घर की तरफ जाते हैं, अपना रूम की तरफ जाते हैं। ये है हमारा रूम छोटा सा। मेरा थोबरा देख लो, बहुत ही हालत ख़राब हो गया भैया। वीडियो कैसा लगा गाइस? और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फिर दो गाइस। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब करके जाना, हां ठीक है। चलो बाय बाय।